मैं बस एक ट्रेन से आ रहा था, बहुत भीड़ थी वहाँ, काफ़ी सारे लोग थे। वहाँ पर एक लड़की आई, दिखने में अच्छी थी, सब उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ के कुछ लड़कों ने उसे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। कभी सीटी मारना, कभी कुछ बोलना, कभी गंदे इशारे करना, बस उसके पीछे पड़े, उसे परेशान कर दिया। जैसे वो लड़की के कुछ मायने ही नहीं थे, वो तो बस एक खिलौना थी, उन्हें अपना बस दिल बहलाना था, उसकी फीलिंग्स की कुछ बस पीछे पड़ के उसके जानवरों जैसा बर्ताव करने लगे, जानवर लोमड़ी के जैसे पीछे पड़ गए, बस परेशान कर दिया उसे। वो लड़की ने जैसे तैसे कुछ बोल के अपने आप को बचाया। वहाँ बहुत सारे लोग थे, काफ़ी सारे लोग, लेकिन सब चुप, एकदम चुप, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब चुप। वो लड़की मुझसे देखा नहीं गया और मैं खड़ा हुआ। तभी ट्रेन रुक गई, स्टेशन आया और लड़की वहीं पर उतर गई। थोड़ी देर में ट्रेन वापस चली, थोड़े आगे जाके वापस रुक गई, एक और स्टेशन आया और वो जो लड़के थे वो भी वहीं उतर गए और सब चुप, एकदम चुप। और जैसे ही लड़के उतरे सब वापस अपने काम में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो बस। तभी एक मच्छर पता नहीं कहाँ से आ गया और मेरे कान में गुनगुनाने लगा, मुझे परेशान करने लगा, यहाँ वहाँ। और मैंने उसे मार दिया। मच्छर को मार दिया मैंने। मार दिया उसे। मैं जानता हूँ ये मजाक का वक्त नहीं है, ऐसी बातें मजाक में नहीं लेनी चाहिए। वो लड़की वो रोज आती जाती होगी ट्रेन में, वो लड़के बस दरिंदगी की हद पार करके वापस वो लड़की वापस आएगी ट्रेन में और वो लड़के भी वहीं वापस होंगे, तो क्या होगा उस लड़के का? कौन बचाएगा उसे? जानने के लिए देखते रहिए छोटा भीम पोगो पर 8:30 बजे। I am the god.
have to die. You will rest in peace.